खरगोन में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू हुई तो एक व्यापारी ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। व्यापारी ने दुकान के बाहर शिवराज और कमलनाथ का पोस्टर लगाया, जिसमें शिवराज के पोस्टर पर क्रॉस का साइन और कमलनाथ के पोस्टर पर राइट दिया। व्यापारी ने यहां तक कह दिया कि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो हम पार्टी चेंज कर देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। ये प्रशासन की मनमानी के विरोध में हमारा मौन विरोध है। हम नगर पालिका द्वारा जो ये कार्रवाई चल रही है उससे व्यापारियों के पुराने अतिक्रमण जो अवैध रूप से जो बने हुए थे वो तो तोड़े ही है, लेकिन उसके बाद में नाली जो क्लियर कर रहे हैं, ये नाली कई साल पुरानी जो बनी हुई है इसमें आज तक किसी प्रकार का कोई पानी रुका नहीं है, और जहाँ पे पानी रुक रहा है वहाँ पर नगर पालिका की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे अतिक्रमण तोड़ने के बाद में हमारे को दुकान के अंदर ग्राहकी करने में परेशानी हो रही है, हमारे ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं। हम 10 दिन से 8 दिन से जब से ये कार्रवाई चल रही है व्यापार से बैठे हुए हैं, व्यापार नहीं हो रहा, इसलिए हमने ये मौन विरोध में ये सरकार के खिलाफ वोट लगाए। अभी आगे MG रोड पे इनने दुकान छोड़ के और नाली जो बनाई है उस हिसाब से यहाँ भी नाली बने। हमारे ये जो पुराने कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ने से क्या मतलब, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इस कार्रवाई में मेरी 3 फीट दुकान जा रही है। आपने इस बारे में बात नहीं, हमारी नगर पालिका में कौन सुनेगा, प्रशासन के आगे हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन की बात तो मानना पड़ेगी। पालिका मानी तो हमने SDM साहब के पास भी जाएंगे, हम TC कार्यालय भी जाएंगे और सभी व्यापारी मिलकर इसका विरोध करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। अगर इस तरीके की कार्रवाई रही तो हम पार्टी चेंज कर देंगे, हम कांग्रेस में जाएंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। वही मामले को लेकर बड़वा नगर पालिका CMO कुशल सिंह डुडवे का कहना है कि व्यापारी ने पोस्टर लगाए थे जिसे हटा लिया है, वास्तव में हम रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि इस तरह की हरकत करेंगे तो वे भाग जाएंगे, कार्रवाई तो होके रहेगी क्योंकि रोड चौड़ीकरण का टेंडर करा हुआ है और नाली मुक्त करा रहे हैं। फिलहाल व्यापारी का यह अनोखा विरोध चर्चा का विषय बना हुआ है। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट MP तक।